ओ भाई गाइस चेक कर रहे हो ओ भाई क्या क्लोज बोल देना यार कसम से। सो हे गाइस वेलकम बैक टू द चैनल पार्थ मोटो व्लॉगर। करते हैं आज के व्लॉग में आप सबका स्वागत। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। सो आज आए आप लोगों के लिए एक और नए प्यारे से व्लॉग के साथ। तो सबसे पहले यार व्लॉग स्टार्ट करने से पहले ना एक बार ना अपना आज का वेदर चेक कर लो यार। एंड ये सामने आपको पूरे भरमौर की लुक दिख रही है। एंड यार एक बार ना वेदर चेक करो, मतलब बिल्कुल ना ऐसे बादल ही बादल हो गए। एंड ना आज मुझे लग रहा है जैसे स्नोफॉल वगैरह हो जाएगी आसपास, तो आगे पीछे नहीं होगी, मतलब भरमौर भी नहीं होगी, बट वो जो आपको सामने माउंटेन्स वगैरह दिख रहे हैं वहाँ पे तो हो ही जाएगी। एंड सबसे पहले होती है अपने भरमानी माता वगैरह एंड इन पहाड़ों पर। एंड अब निकलेंगे आज एक मस्ती राइड पे, तो मेरे साथ आज एक अभी जाएगा अपनी बाइक लेके, एंड दो और दोस्त आ रहे हैं तो उनको लेके आएंगे। आज हम लोग ही जाएंगे, सिर्फ दो बाइकें होंगी एंड दो दोस्त होंगे अपने, और तो उनसे भी मिलवाते हैं आपको आगे चल के। एंड आज एक मस्ती राइड करेंगे। उससे पहले यार आपको ना एक बार बाइक की लुक चेक करवा देता हूँ ना। सो गाइस हियर इज अ बाइक, यार ये चेक कर रहे हो, ये नीचे लगी है, ये मेरी वाली बाइक लगी है एंड वहाँ पे लगी है अभी वाली बाइक। सो बहुत ही प्यारी लग रही है, बाकी इसको वॉश वगैरह करेंगे। बट सो निकलते हैं जल्दी से बिना टाइम वेस्ट किए, क्योंकि बारिश पता नहीं कभी भी लग सकती है। जस्ट मेरे को लग रहा है एक दो आवर में बारिश लग पड़ेगी अब। तो बारिश लगने से पहले ना जल्दी से अपनी राइड वगैरह कंप्लीट करेंगे, तो निकलते हैं। ट्रैक मिलते हैं आपको बाइक पे। सो गाइस यार जो मैं टेपिंग वगैरह करवा के आया था ना, आपको दिख रही होगी यार पूरी निकल चुकी है यहाँ से। ये भी बड़ा गलत वाला सीन हो गया है, पर चलो कोई बात नहीं, अगर निकल गई तो फिर से करवा लेंगे। तो निकलते हैं आप जल्दी से बाइक पे अपनी। सो गाइस अब थोड़े टाइम में यहाँ पे स्नोफॉल वगैरह भी हो जाएगा, एंड यार उसके बाद ना राइड करने में ना दिक्कत बहुत आएगी, बट उस टाइम जो व्लॉग्स वगैरह आने वाले हैं ना उनको बिल्कुल मिस मत करना यार, कसम से नेक्स्ट लेवल व्लॉग आने वाले हैं। तो गाइस फाइनली भरमौर के बस स्टैंड में पहुँच चुके हैं, एंड गाइस पुलिस वाले नेक्स्ट लेवल यार। एंड गाइस जो भी चैनल पे नहीं आ रहा है यार चैनल को सब्सक्राइब कर, एंड वीडियोस पे लाइक कमेंट शेयर कर दिया करो यार, आप लोग बिल्कुल शेयर नहीं करते हो। एंड यार चैनल पे सब्सक्राइब भी कोई नहीं कर रहा, तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब कर लो। आपके एक सब्सक्राइब के साथ यार सीरियसली ना बहुत ज़्यादा मोटिवेशन बढ़ती है यार, एंड एक प्यारा सा ना कमेंट भी लिख के जाया करो। सो गाइस फाइनली अपना ग्रुप आ चुका है, बाकी ये चेक करें एक दोस्ती है अपना एक वहाँ पे अभी, इसको तो आप जानते हो हर एक ब्लॉग में आ जाता है ये बंदा। एंड ये रही अपनी ब्लैक मेल, बाकी निकलते हैं जल्दी से। सो गाइस फाइनली निकल चुके हैं, एंड आज हम लोग चलेंगे इन सबसे पीछे, बिकॉज यार मैं आगे राइड करता हूँ ना हर बार, तो भाई ये बंदे बोलते हैं कि यार हम लोग एक तो ब्लॉग में नहीं आ पाते हैं, एंड यार थोड़ा आपको पता ही है पीछे कटिंग वगैरह करते रहते हैं, एंड उसकी वजह से यार थोड़ा ब्लॉग में ना कुछ मज़ा नहीं आता है। तो आज हम ना ये सबसे पीछे राइड करेंगे। गाइस इस रास्ते पे इतने ज़्यादा लीन आते हैं ना, मैं मजाक नहीं कर रहा, बहुत थक पा यार, बहुत ही गंदा राइड कर रहे हैं गाइस सारे। एंड यार गाइस थोड़ी थोड़ी बारिश लग चुकी है, मैं आपको दिखा नहीं सकता अभी, तो ये चेक कर रहे हो अगर आपको थोड़ा बहुत उंगलियों में दिख रहा होगा ना, तो बारिश लग चुकी है। एंड मुझे लग रहा है यार जिस तरह से मौसम ख़राब हो रहा है ना, दो तीन दिन मौसम ख़राब बताया है, तो मेरे को लग नहीं रहा यार कि अच्छे से ब्लॉगिंग हो पाएगी, बिकॉज आपको पता है यार बारिश में हम लोग कहीं बाहर जा नहीं सकते। एंड यार वो ना बहुत ही गलत लेवल का सीन है, जब स्नोफॉल हो जाए ना तो यार कसम से ब्लॉगिंग करने का मज़ा तो बहुत आएगा, बट यार थोड़ा बाइक राइड करने में दिक्कत आएगी, बिकॉज अब टनल्स वगैरह लग जाएंगी यहाँ पे, तो उस पर ना बाइक्स वगैरह स्लिप बहुत करती हैं यार। ओ भाई चेक कर रहे हो नेक्स्ट लेवल यार, इससे भी कट लेंगे गाइस अभी हम। ओ भाई गाइस क्रेजी सीन हो गया यार कसम से। बाकी एक बार आपको यहाँ रुके, मैं पहले व्यू चेक कराऊंगा यार, कसम से क्रेजी व्यू आ रहा है यार। एंड गाइस चेक दिस आउट यार, ये रही अपनी ब्लैक व्हेल, एंड ये सामने का एक बार ना व्यू चेक करो यार, मतलब कितना ही यार क्रेजी व्यू आ रहा है, मतलब बहुत ही प्यारा लग रहा है यार। एंड बिल्कुल ही ना फोक फोक होगी पहाड़ों में, वो दिख रहा होगा आपको, एंड उस साइड भी बिल्कुल फोक होगी है। एंड ये देखो यार, मतलब पहाड़ ना बिल्कुल फोक से ढक गया, एंड यार थोड़ी देर में अगर ये फोक थोड़ी और नीचे आ गई ना, तो यहाँ पे ऊपर ऊपर स्नोफॉल लग पड़ेगी उन्हें। एंड वहाँ पे ना वो चेक कर रहे हो, वो पहाड़ बिल्कुल जला दिया। एंड एक बार मैं आपको हाइट चेक कराऊँ ना, तो ये देख रहे हो, मतलब मैं अपने एस्टीमेट से ना ये 700-800 फुट की हाइट होगी कम से कम भी यार, वो नीचे तक ना बहुत ज़्यादा हाइट है ये। सो ये देख लो, बाकी निकलते हैं अब यार, करते हैं अपनी राइड कंटिन्यू। A few moments later. So guys, ठंड वगैरह बहुत लग रही है यार, तो पहले ग्लव्स डाल लेते हैं। एंड मैं यार थोड़ा सा नीचे गया था, काम पड़ गया था मुझे एक,
भैया का फोन आया था तो वहाँ पे गया था, पहले ग्लव्स वगैरह डाल लेते हैं एंड बाकी की राइड ना उसके बाद करते हैं यार अपनी स्टार्ट, क्योंकि ठंड बहुत हो गई है यार यहाँ पे एंड कसम से यार हाथ ना बिल्कुल लाल हो गए हैं मेरे इस टाइम पे, तो ग्लव्स ना बहुत इंपॉर्टेंट है यार अब राइड के लिए। एंड बारिश भी लग पड़ी गाइस थोड़ी थोड़ी, तो मुझे लग रहा है जस्ट आधे घंटे के अंदर अंदर यहाँ पे बारिश लगने वाली है, तो निकलते हैं अब जल्दी से। एंड गाइस ग्लव्स में ना यार थोड़े से ना हाथ बहुत स्लिपरी जैसे हो जाते हैं यार, वो भी ना एक बहुत ही गलत लेवल का सीन है। चलो कोई बात नहीं, बिल्कुल इजी राइड करेंगे यार, अब कोई ज़्यादा ना खींचने वाली बात नहीं करेंगे। एंड यार नीचे ना रास्ते में गया था मैं अभी काम से, तो वहाँ पे ना एक बहुत ही क्रेजी वाला सीन हो गया, मैं आपको आगे चल के बताता हूँ उसके बारे में। एंड गाइस यार ये भी निकलने पड़ रहा है यार, मैंने यहाँ से थोड़ा सा एक होल किया है एंड यहाँ से इसकी हवा निकाली है बाहर जो टेपिंग निकल रही थी। चलो ज़्यादा नहीं 5-6 दिन हो जाए ना और मेरी निकाल जाए, तो जस्ट 2-3 हफ्ते बाद मैंने बाइक नीचे ले ही जानी है अब, तो देखेंगे तब का तब बाकी क्या करते हैं उसका। यार चेक कर रहे हो भाई, गंदे ही सीन हो रहे हैं गाइस। तो गाइस बारिश लग चुकी है यार, इस तरह से तो बीमार हो जाएंगे यार बिल्कुल ही कसम से। बाकी गाइस मैं अभी नीचे गया हुआ था यार काम से, जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ फ़ोन आया था मुझे एक, तो मैं जरा काम से गया था एंड यार वहाँ पे ना बस स्टैंड में देखा ना तो कसम से गाइस वहाँ पे ना आग लगी हुई थी यार, वो ना एक्चुअली पेट्रोल वगैरह से पता नहीं क्या सीन हुआ एंड वहाँ पे आग लगी। एंड मैं वहाँ से गया अभी ये करके थोड़ा सा आगे, उस टाइम मैं ब्लॉग नहीं शूट कर रहा था तो मैं जरा सा काम से गया था, तो मैंने सोचा राइड अपने आगे आके कंटिन्यू करता हूँ यहीं से, तो काम वगैरह कंप्लीट करके एंड वहाँ पे देखा यार एक बंदे ने ना एक स्विफ्ट डिजायर थी एंड उसको पूरा ही ठोक दिया यार पीछे से। तो यार पहले ना आप लोग ना वो क्लिप्स वगैरह चेक कर लो एंड बाकी ना हम उसके बाद बातें करते हैं। पेट्रोल अंदर वहाँ है वो चिकनी डालते हैं तो गाइज आई होप आप लोगों को यार वो जो मैंने क्लिप्स दिखाई हैं वो आपको अच्छी लगी होंगी। बट मैं आपको बता दूं यार ये ना ये सीन हुआ है जो बस स्टैंड वाला है ना वहाँ पे यार एक्चुअली ये एक पेट्रोल की शॉप, तो यहाँ पे ना पेट्रोल बेचते हैं भैया, तो कोई पेट्रोल लेने आया होगा उनसे एंड यार उन्होंने क्या किया यहाँ पे एक्चुअली ठंड बहुत है तो यहाँ पे हीटर्स वगैरह लग रहे हैं एंड वही सीन हुआ भैया जैसे पेट्रोल डालने लगे यार वो ना हीटर साथ में था एंड पेट्रोल आपको पता है ना एकदम से आग पकड़ लेता है एंड यार वो एक बोतल ने आग पकड़ी ना एंड उसकी वजह से जो बाकी जितना भी था ना वहाँ पे उसने भी आग पकड़ ली है यार, तो वो बहुत गलत सीन हो गया वहाँ पे, तो पूरी ना दुकान पे आग लगी, मतलब ना आग ना बाहर तक आ गई थी एंड आपको पता है यार एक बार पेट्रोल आग पकड़ ले तो वो बहुत ही गलत सीन हो जाता है। एंड मैं आगे गया तो एक यार वो जैन जैसी खड़ी थी यार वो, और एक स्विफ्ट डिजायर वहाँ पे खड़ी थी, तो वो मुझे पता नहीं क्या हुआ है किसने ठोकी क्या हुआ है उसका वो नहीं मुझे पता क्योंकि वो मेरे सामने नहीं हुआ बिल्कुल भी। तो वहाँ पे यार वो जो डिज़ायर आपने देखा यार उसका तो मतलब ना बैक साइड का बम्पर यार बिल्कुल ही तोड़ के चल गया कोई यार, वो गाड़ी खड़ी थी वहाँ पे जो डिज़ायर आपको दिख रही है ना वो ब्लॉक में, वो गाइस वो पूरी की पूरी यार वहाँ पे खड़ी थी, उसको कोई ड्राइव नहीं कर रहा था, उसके अंदर कोई ड्राइवर नहीं था, वो बाइक वहाँ पे बस खड़ी थी एंड पता नहीं यार किसने क्या किया खड़ी गाड़ी को कोई ठोक के चल गया यार, मतलब किसी को कुछ पता भी नहीं है। तो ये सीन हुआ, बाकी निकलते हैं अब जल्दी से खींचते हैं बाइक को थोड़ा सा। ओ भाई गाइस चेक कर रहे हो, ओ भाई क्रेजी सीन है यार कसम से गाइस कसम से। एंड गाइस बहुत गंदा राइड करता है आजकल अभी भी यार कसम से, नेक्स्ट ही लेवल राइडर हो गया ये भी, बाकी कट देते हैं। एंड गाइस चेक कर रहे हो, ओ भाई क्या क्लोज कॉल देना है यार कसम से गाइस, आज नेक्स्ट ही लेवल सीन है यार राइड का। बाकी यार एंड टोल वाले को भी देख लेते हैं, वो भी आ रहा है यार, उसको थोड़ा सा आगे करते हैं अपने से। तो गाइस ये चेक कर रहे हो, मतलब चेक करो यार एक बार, मतलब कितना प्यारा व्यू आ रहा है यार, मतलब क्रेजी है यार। एंड वो फोक फोक होगी एंड थोड़ी देर में मुझे लग रहा है ना वहाँ पे तो स्नोबॉल पड़ना स्टार्ट हो गया, अगर वो आपको पहाड़ दिख रहा होगा ना जो आपको फोक के बीच में दिख रहा है तो वहाँ पे तो स्नो पूरी पूरी पड़ना स्टार्ट हो गई है। बाकी निकलते हैं हम भी जल्दी से। एंड गाइस ये लोकेशन भी बहुत प्यारी लगती है यार कसम से, बिल्कुल ना ट्रीज के बीच में चलना पड़ता है ना। सो गाइस ग्लव्स वगैरह खोल दिए हैं यार, ना ग्लव्स ना स्लिप बहुत मार रहे थे हैंड से, सो एक्सीलेटर ब्रेक वगैरह कुछ अच्छे से नहीं लग रहा था तो मैंने खोल दिए हैं यार, कल से ना अपने दूसरे ग्लव्स लेके आऊँगा ग्रिपिंग वाले। सो गाइस थोड़ी सी व्हीली पॉप करते हैं यार,
ओ भाई सबसे गाइस इसको थोड़ा सा टायर छोटा लगवाएंगे एंड ना उसके बाद थोड़ी व्हीली मैं अब चलाना सीखूंगा। उठा तो मैं व्हीली ना पूरी पॉप कर लेता हूँ बट यार थोड़ा चलाने में दिक्कत होती है। ओ भाई गाइस नेक्स्ट ही लेवल है यार। तो गाइस अंकु इसकी स्कूटी लेके भाग गया गलत ही सीन हो गया गाइस जाओ तू भी ले आ। सो गाइस फाइनली यार यहाँ पर रुके हैं, यहाँ पे थोड़े से स्टंट्स वगैरह किए हैं एंड यहाँ से आगे जाने का ना थोड़ा मन नहीं कर रहा बिकॉज इससे आगे मैं अपने पुराने ब्लॉग्स में भी जाया हूँ, इससे आगे एक गांव है, बाकी यहाँ पे अपने सारे व्हीकल्स लगा दिए एंड यार वो ना बस स्टैंड में पता नहीं क्या सीन हुआ, एक तो वो भैया पेट्रोल डाल रहे थे बोतल में एंड चलो उनकी भी गलती की हीटर गया यार पेट्रोल एकदम से आप लोगों को पता है यार आग पकड़ लेता है तो उसने आग पकड़ी एंड यार पूरे उसमें ना मतलब आग ही आग लग गई यार दुकान में और वो भी एक गलत सीन हो गया एंड बाहर गाड़ियाँ वगैरह थे, गाड़ियाँ वगैरह को चलो जल्दी से धक्का मार के साइड में कर लिया एंड एक दो बंदे अंदर थे वो जल्दी से भाग के बाहर आ गए, चलो यार सब बच गए मतलब किसी को कुछ हुआ नहीं एंड आगे गया तो वो एक गाड़ी ठुकी पड़ी हुई थी पहले की पता नहीं किसने यार उसको ठोक दिया था रात को बट यार वो गाड़ी ना बैक साइड से पूरी खत्म हो गई उसका बम्पर वगैरह सब टूट गया, बाकी अब यार मौसम भी खराब हो रहा है मेरे बैक साइड भी आपको दिख रहा होगा तो ये चेक कर रहे हो तो मतलब ना पूरा यार बादल ही बादल हो गया एंड पहाड़ ना फोग वगैरह में ढक गया एंड यार यहाँ पे भी ना बारिश लग रही है थोड़ी थोड़ी तो जल्दी निकलते हैं वापस क्योंकि घर से ना बहुत दूर आ गया कम से कम भी 7-8 किलोमीटर दूर आ गया तो जल्दी से चलेंगे बिकॉज यार यहाँ पे 7-8 किलोमीटर भी क्रॉस करने में ना बहुत टाइम लगता है तो मिलते हैं आपको ट्रैक सीधे बाइक पे यार। सो गाइस फाइनली अब सारे वापस निकलते हैं बिकॉज बारिश भी लग चुकी है आपको देखो रास्ते भी दिख रही होगी थोड़ी थोड़ी बीमार हो जाएंगे यार एंड गाइस रास्ते चेक कर रहे हो भाई कितने से रास्ते भाई छोटे छोटे एंड वो साइड में जो खाई है ना इतनी बड़ी बड़ी है ना कसम से यार नेक्स्ट ही लेवल है, जल्दी से खींचते हैं बाइक को एंड पहुंचे घर बिकॉज यहाँ पे ठंड बहुत है एंड बीमार होने के चांसेस ना बहुत ज़्यादा एंड बीमार हो गए ना तो यार ब्लॉगिंग वगैरह करने में बहुत दिक्कत आने वाली है एंड गाइस बारिश धीरे धीरे यार बिल्कुल तेज़ हुई जा रही है यार ये चेक कर रहे हो मतलब मेरे हाथ देखो कैसे गिल्ले हो रहे हैं जस्ट अ सेकंड में यार मतलब ना इतनी तेज़ हो रही है बारिश एंड इतनी ठंडी बूंदे है ना मैं आपको बता नहीं सकता यार कट लेते हैं गाइस। लीन चेक कर रहे हो नेक्स्ट ही लेवल है यार कसम से भाई आपका बहुत गंदा राइड करता है यार। ओ भाई कसम से यार क्रेजी यार क्रेजी चेक कर रहे हो भाई लीन पे लीन है यार इस रास्ते के ना ये बहुत मजे हैं यार कसम से इतने ज्यादा लीन आते हैं ना कॉर्नरिंग करने का तो बहुत ही मजा आता है यार यहाँ पे एक राइड अप भरमानी माता की प्लान करेंगे अगर वहाँ पे स्नोफॉल हो जाएगी ना तो जरूर जाएंगे भरमानी माता, मुझे कमेंट बॉक्स में बताना किस किस को स्नोफॉल वाला भरमानी माता का ब्लॉग चाहिए, जितने ज़्यादा कमेंट्स होंगे ना उतनी जल्दी मैं भरमानी माता जाऊँगा मैं आपको ये प्रॉमिस करता हूँ आप सबसे, जितने ज़्यादा कमेंट्स आप लोग कर सकते हो ना उतने ज़्यादा कमेंट्स कर दो यार मतलब कमेंट्स बॉक्स भर दो यार कमेंट्स के साथ तभी मैं स्नोफॉल वाली राइड लेके आऊँगा, मैं ज़रूर भरमानी माता जाऊँगा बिकॉज इस टाइम ना भरमानी माता बहुत रिस्क है टनल्स वगैरह लग रही है एंड वहाँ पे स्नोफॉल भी हो रही है जैसा आज मौसम है तो कल वहाँ पे ना स्नोफॉल होगी एंड बहुत ज़्यादा होगी एंड जिस चीज़ को ना स्नोफॉल वाला ब्लॉग चाहिए ना तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना कि यार स्नोफॉल वाला ब्लॉग चाहिए एंड प्यारा सा कमेंट भी लिख के जाना एंड वीडियोज़ को शेयर जरूर कर लेना चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बाकी करेंगे आज के ब्लॉग को इसी के साथ यहीं पे एंड, मिलेंगे आगे एक नए इंटरेस्टिंग से ब्लॉग के साथ, आई होप आप लोगों को ये मेरा आज का ब्लॉग पसंद आया होगा तो जिस जिसको यार मेरा ये ब्लॉग पसंद आया ना प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब कर लो वीडियोस पर लाइक कमेंट शेयर कर देना आपके एक एक सब्सक्राइब की ना बहुत जरूरत है एंड वी आर वेरी क्लोज टू 2000 सब्सक्राइबर तो प्लीज़ यार जल्दी से 2000 सब्सक्राइबर्स मेरे कंप्लीट करा दो बिकॉज जल्दी से हमारे 2000 सब्सक्राइबर कंप्लीट होने वाले हैं एंड उसके बाद हमारा नेक्स्ट टारगेट रहेगा 5000 का तो यार जल्दी से आप पहले 2000 करा दो एंड उसके बाद हमारा 5000 गेट रहेगा तो मिलते हैं गाइस आगे एक नए इंटरेस्टिंग से ब्लॉग के साथ, इसी के साथ स्वस्थ मस्त रहो खुश रहो खाते पीते रहो राइड सेफ एंड लव यू ऑल बाय गाइस।